उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने, की गई गिनती, सभी 41 लोग सुरक्षित। मजदूरों से संपर्क साधने का वीडियो आया सामने, गिनती के लिए निर्देश दे रहे अधिकारी। टनल में 24 बोतल भरकर भेजी गई खिचड़ी और दाल, 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को मिला भरपेट भोजन। मजदूरों को बचाने का प्रयास जारी है, बॉटल्स में भरकर पहुंचाई गई गर्म खिचड़ी। 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए अंदर भेजा गया एंडोस्कोपिक कैमरा, वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात की। वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की हार के बाद खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, ड्रेसिंग रूम का वीडियो सामने आया। खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की, कप्तान रोहित और विराट को प्रधानमंत्री ने गले लगाया। भारतीय तेज गेंदबाज शमी को भी प्रधानमंत्री ने गले लगाया, इस प्रतियोगिता में शमी का अद्भुत प्रदर्शन दिखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में रोड शो, इस रोड शो के जरिए 4 अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों को कवर करने का रोड मैप तैयार किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी किया जन घोषणा पत्र, सरकार बनी तो करवाएंगे जातिगत सर्वे, महिलाओं को हर महीने देंगे 10,000 रूपये। लंदन में जगमगा रही क्रिसमस की रोशनी, लंदन वासियों ने त्योहारी सीजन का स्वागत किया। मनमोहक आतिशबाजी ने बांधा समय, इस दौरान लोगों की आसमान पर टिकी रही निगाहें। लंदन के बाजार में देखी क्रिसमस की रौनक, तरह तरह की वेशभूषा में नजर आए लोग। व्हाइट हाउस में क्रिसमस को लेकर तैयारियां तेज हुई, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने क्रिसमस ट्री का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनाया अपना 81वां जन्मदिन, लोगों ने दी शुभकामनाएं। इसराइल और हमास के बीच जारी है जंग, 7 अक्टूबर का वीडियो सामने आया, हमास के लड़ाके कर रहे हैं नागरिकों का पीछा। इजरायली सेना का बड़ा दावा, IDF को गाजा में मस्जिद के नीचे मिली हथियार प्रयोगशाला। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, तस्वीरों में दिखा लेबनन में हिजबुल्ला मुख्यालय पर किया गया हमला। इजरायल हमास संघर्ष के बीच WHO ने जारी किया आंकड़ा, गाजा में 11,000 से ज्यादा लोगों ने गवाही जारी। UN चीफ ने गाजा में हो रही घटनाओं की निंदा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपत्ति जताई। एक्टर अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो में अक्षय एयरपोर्ट पर सुरक्षा की रोकटोक के बाद भी फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में अपने एक दोस्त की शादी अटेंड की, शादी से उनके कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला विशेष पुरस्कार, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किया गया सम्मानित। करणवीर बोहरा को शो सौभाग्यवती भव 2 की शूटिंग के दौरान लगी चोट, शो में नेगेटिव रो में है एक्टर।